क्या आपके पास अपना व्हाट्सएप अकाउंट है? क्या आप उसे यूज करते हैं? तो फिर आप सावधान हो जाइए दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको किसी अनचाहे लीगल चैलेंज से सावधान कर सकता है। कानून के हिसाब से अब व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए मैसेज या फिर नोटिसेस को लीगल प्रूफ माने जाएंगे। जब एक पार्टी या इंसान दूसरे पार्टी या इंसान को व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजेगी तो वो लीगल एविडेंस माना जाएगा, यानी उसको कोर्ट में प्रूफ के तौर पर मान्यता मिलेगी। चार जो लाइफ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस कहानी को समझने के लिए आइए नजर डालते हैं एक हाल ही में हुए घटना पर, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के जज मिस्टर गौतम एस पटेल का स्टेटमेंट आया। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस के लिए एप्लीकेशन डाली गई, जिसकी हियरिंग के दौरान, जो कि SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डाली गई थी, जिसमें SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज की तरफ से ये बताया गया कि जो डिफेंडर या रिस्पोंडेंट है, यानी जिसके खिलाफ केस किया जा रहा है, रेजिडेंशियल एड्रेस ना मिलने की वजह से SBI के ऑफिसर ने अपने मोबाइल की एप्लीकेशन, जो कि व्हाट्सएप है, जो कि आजकल बहुत चलन में है और जिसे आज हर इंसान यूज़ करता है, उसके थ्रू एक मैसेज भेजा गया, जिसमें एक नोटिस का अटैचमेंट था, जो कि डिफेंडेंट यानी रिस्पोंडेंट द्वारा डाउनलोड किया गया और फिर ओपन भी किया गया और फिर ओपन करके देखा भी गया यानी पढ़ा भी गया, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब SBI ने नोटिस भेजा तो उन्होंने यह पाया कि जब उन्होंने मैसेज भेजा तो मैसेज के साथ एक ग्रे कलर का साइन टिक शो हुआ और कुछ समय के बाद उस मैसेज के साथ डबल टिक शो करने लगा, जो कि ग्रे कलर का ही था, और फिर कुछ समय के बाद वो डबल टिक ब्लू कलर का हो गया। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने माना, मैसेज के साथ सिंगल टिक का मतलब साफ है कि मैसेज भेजा गया लेकिन दूसरी पार्टी को अभी नहीं मिला। ग्रे कलर की डबल टिक का मतलब साफ है, मैसेज भेजा गया और डिलीवर हो गया, यानी दूसरी पार्टी के नेटवर्क ने उसे रिसीव कर लिया। और फिर ब्लू कलर की डबल टिक का मतलब भी साफ है, मैसेज भेजा गया, सामने वाले को मिल गया और पढ़ भी लिया गया। और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने कहा, भेजे गए नोटिस की सर्विस की प्रति और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक कानूनी वर्ड है, जो कि देश के नागरिकों से जुड़ी कार्रवाई के कानून बताता है। उन्होंने कहा कि इस लॉ के तहत मैं इस केस की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता हूं। ऐसा इसलिए कि जो व्हाट्सएप आइकन इंडिकेटर क्लियरली शो करता है कि मैसेज और उसकी अटैचमेंट रिस्पोंडेंट को मिल गई थी और दोनों ही ओपन करके देखी गई थी, लेकिन इग्नोर कर दी गई। जज ने उसके बाद SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को यह इंस्ट्रक्शन भी दी कि वो अब रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट है, यानी जिसके प्रति केस किया गया है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस कोर्ट के साथ शेयर करें ताकि उसके लिए वारंट जारी किया जा सके अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो। अब बचाव पक्ष ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता या उसको टाल मटोल नहीं कर सकता जब डबल टिक ब्लू कलर में शो होने लगे आपके व्हाट्सएप पे, यानी अब डिलीवर्ड मैसेज जो ब्लू कलर के साथ शो करेगा, ऐसी लीगल सिचुएशन में ऐसा माना जाएगा कि उसको पढ़ लिया गया है और फिर इग्नोर कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी कहानी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब आप अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों को ये वीडियो शेयर करके जागरूक कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अपने दोस्तों को और खुद को जागरूक कर सकें। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। दोस्तों, अब टाइम है क्विज ऑफ द डे का। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे कानून इस देश के लिए लाभदायक हो सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कैसे हो सकते हैं? आप अपना रिप्लाई नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके पास कोई अन्य सुझाव या कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हमारी तरफ से उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए ट्विटर चैनल या फिर हमारी वेबसाइट
फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में क्विज पर रिप्लाई ज़रूर करें, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।